हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ़ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 और 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। आज आप लोग का पेपर 2 सोशल साइंस का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग को जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। तो आज आप लोग का पहला जो जियोग्राफी है उसका फर्स्ट यूनिट आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी का पहला टॉपिक जो है साइज एंड शेप को लेकर आई हूँ, जिसमें कोशिश रहेगी कि आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी का फर्स्ट यूनिट आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी का एक टॉपिक है क्या, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी, पृथ्वी है क्या। तो यहाँ पे पहला आपका है कि आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में 8 ग्रहों में से पृथ्वी एक ग्रह है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग का मैक्सिमम एराइज होता है कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। यानी कि पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है और इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह। आप लोग इसको नोट करिएगा कि पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है पानी के कारण। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर एंड 29% इज कवर्ड बाई लैंड। मीन्स क्या, पृथ्वी की जो सतह है उसमें 71% क्या है, भाग पानी से ढका है और 29% यानी कि 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। सो ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कि कितना परसेंट आप लोग का वाटर सरफेस एरिया से कवर करता है और कितना लैंड सरफेस एरिया से कवर करता है। लैंड हो गया आपका 29 और वाटर हो गया 71%। अब नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर एंड द वाटर एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। यानी कि पृथ्वी का जो भूमि क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को बोलते हैं स्थलमंडल एंड हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं जलमंडल। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वाटर एरिया को ही बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसके साथ ही देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि जो सूर्य की दूरी के क्रम में पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में जो दूरी है सूर्य की दूरी से, ये 3 नंबर पे आ रहा है ना। तो जो इसके नज़दीकी की तरफ से देखेंगे तो 3 नंबर पे पृथ्वी आएगा और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि आकार की दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहला आ जाता है जुपिटर जो कि बृहस्पति को कहते हैं, लेकिन जब आकार की दृष्टि से देखेंगे तो 5वां आ जाता है पृथ्वी। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 3rd लिखे ना 5वां लिखे, तो 3rd होता है पृथ्वी सूर्य के नज़दीकी के क्षेत्र में, और किंतु जो 5वां होता है वो पूरा सौरमंडल का जो सबसे बड़ा आकार की दृष्टि में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द सन इज अबाउट 150 मिलियन अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है लगभग कितना है, 150 मिलियन। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि 150 मिलियन दूरी है। और यहाँ पे आप लोग का डिजिट में भी दिया गया, डिजिट को भी देख लीजिए क्योंकि कभी कभार आप लोग का डिजिट में भी दे दिया जाता है पॉइंट के हिसाब से, तो इसको देखिएगा। और एक बात कि जो सन का जो दूरी होता है कभी कभार 152 भी होता है, तो कहीं जब आप लोग का ऑप्शन में 152 देखिए, इसके अलावा 140 या फिर कुछ 150 से आसपास में नहीं दिखे तो 152 दीजिएगा, किंतु यहाँ पे आप लोग को मिलियन में भी कभी दे तो आप लोग 150 दिखीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इट इज़ फ्रॉम अराउंड 4.5 to 4.6 billion years ago, यानी कि पृथ्वी का जो आरंभ हुआ था, जो उसका जन्म हुआ था वो कितना बिलियन वर्ष पहले हुआ था, 4.5 to 4.6, देखिए इतना बिलियन पहले हुआ था। अब इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अर्थ इज नाइदर फ्लैट नॉर परफेक्टली राउंड, द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज एलिप्टिकल एंड स्फेरिकल। यानी कि पृथ्वी वास्तविक रूप से देखा जाए तो न सपाट है, न कि फ्लैट है, और न परफेक्टली राउंड यानी कि ना पूरी तरह से गोल है। द एक्चुअल शेप इज द अर्थ इज एलिप्टिकल एंड स्फेरिकल। द एलिप्टिकल मतलब कि अंडाकार, एलिप्टिकल को बोलते हैं अंडाकार एंड स्फेरिकल को बोलते हैं गोलाकार। एक्चुअल शेप ये है, आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पृथ्वी का वास्तविक रूप से जो आकार होता है ये होता है, न कि ये होता है। जनरली हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन जब उसको स्टडी करेंगे, अध्ययन किए थे जो जियोड, यहाँ पे देखिए अगर ये द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोड, इसी को क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के एक्चुअल शेप को जियोड बोलते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि द जियोडसी इज द साइंस दैट स्टडी द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। एक जियोडसी है यहाँ पे, आप लोग देखिए यहाँ पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। जियोडसी क्या होता है, जो पृथ्वी का जो शेप जो साइज का अध्ययन करता है उसे ही बोलते हैं जियोडसी,
ठीक है, एक्चुअल साइज को पता करता है, पृथ्वी का आकार कैसा है। टॉपिक से आप लोग का ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जियोड क्या बोलते हैं, द शेप ऑफ अर्थ को जियोड बोलते हैं, और जो उसका अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, जियोडसी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट है इक्वेटोरियल डायमीटर। ठीक है, इक्वेटोरियल डायमीटर क्या होता है कि भूमध्य रेखीय व्यास। आप लोग सीधा एक लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन देख सकते हैं इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर, हिंदी में बोलते हैं इसको भूमध्य रेखीय व्यास। जो पृथ्वी के बीचों बीच जो सीधी जो लाइन खींची हुई है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर, जिसकी दूरी कितनी, लंबाई कितनी है, 12756 किलोमीटर, जिसको माइल में बोलेंगे 7926। अब नेक्स्ट आता है क्या, पोलर डायमीटर। तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर की जो सीधी लाइन खींची हुई है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के बीच की जो सीधी रेखा होती है उसकी कुल कितनी लंबाई है, 12714 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते थे जो पहले जो था इसका कुल था 12756, जिसको इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास, और इसका जो पोलर डायमीटर का कितना है कुल 12756, जिसको इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास, और इसका जो पोलर डायमीटर का कितना है कुल 12714। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो केंद्र है, केंद्र से पृथ्वी की सतह की जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है, जो कि रेडियस होता है। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाता है क्या, इक्वेटोरियल रेडियस। तो इक्वेटोरियल रेडियस इसको बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइन है उसको इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं, जो कि हिंदी में बोलते हैं इसको भूमध्य रेखीय त्रिज्या, इसको भूमध्य रेखीय त्रिज्या। और पोलर रेडियस को क्या बोलते हैं, तो पोलर रेडियस को बोलते हैं ध्रुवीय त्रिज्या। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जो हमारा पृथ्वी का जो केंद्र है, ये रहा केंद्र, केंद्र की सतह से पृथ्वी की जो दूरी होती है उसी को त्रिज्या बोलते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पे आपका दो आ जाता है, इक्वेटोरियल रेडियस, पोलर रेडियस। तो इक्वेटोरियल रेडियस का कितना है दूरी, 6378 किलोमीटर, जो कि 3963 माइल्स है। एंड नेक्स्ट जो पोलर रेडियस, उसका कितना दूरी है, 6357 किलोमीटर, जो कि इसको बोलेंगे 3950 माइल। अब इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि सर्कमफ्रेंस द अर्थ को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की परिधि। तो पृथ्वी की परिधि क्या होता है कि द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की चारों ओर की जो दूरी होती है पृथ्वी की परिधि कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थ इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो पृथ्वी की जो भूमध्य परिधि है वो कितनी है, 40,075.017 किलोमीटर। तो ये रहा पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय परिधि। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अर्थ पोलर सर्कमफ्रेंस, यानी कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय परिधि है वो कितना किलोमीटर है, तो 40,007.863 किलोमीटर, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इक्वेटोरियल था हमारा 40,075 और इसका पोलर सर्कमफ्रेंस यानी कि ध्रुवीय परिधि कितना है हमारा, 40,007। नेक्स्ट है क्या, एराथोनिस द एंशियंट ग्रीक स्कॉलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी किसको हम जानते हैं, तो एराथोनिस को जानते हैं, जो कहाँ के हैं, जो ग्रीक स्कॉलर है वो। ही वॉज द फाउंडर ऑफ जियोग्राफी एंड होल्ड्स द क्रेडिट टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, यही जो पृथ्वी का जो परिधि है इसको जो कैलकुलेशन का श्रेय किसको, क्रेडिट किसको जाता है, तो एराथोनिस को जाता है। आप लोग ये नाम याद कर लीजिएगा, एराथोनिस, जो यही क्या थे, फादर ऑफ जियोग्राफी है और कहाँ के, तो ग्रीक स्कॉलर हैं ये, और यही फाउंडर है क्या चीज़ के लिए, जियोग्राफी का, और साथ में जो कैलकुलेशन होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इनको ही क्रेडिट जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पढ़ना है हमें टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, जो पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी का तापमान। तो पृथ्वी का तापमान कितना है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फेस इज अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पृथ्वी का सतह का जो औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, और पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र से जो कोर का तापमान होता है उसका है 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना याद रखिएगा। जनरली देखेंगे तो पृथ्वी का सतह का जो औसतन तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, किंतु जो पृथ्वी के केंद्र से लेकर कोर का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, मून। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एंड नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ द 5th largest नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा आता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मून वॉज फ्रॉम अबाउट 4.51 billion years ago। अब ये देखिए कि ये अनुमानिक तौर पर कहा गया है कि चंद्रमा लगभग 4.51 अरब साल पहले बना था, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पहले, 4.51 अरब यानी बिलियन पहले।
एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 384,400 किलोमीटर, यानी कि 238,900 माइल्स। इसकी जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है इतनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द मून टेक्स 27.3 डेज टू मेक वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन, यहाँ पे दिया 27.3 डेज, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर कुल कितने समय लगता है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड एक चक्कर लगाता है, और इतने ही समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इज द रीजन दैट ओनली 59% ऑफ द मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, और यही कारण है कि चंद्रमा का लगभग 59% भाग कोई हम पृथ्वी से देख पाते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं। इतना जो समय लगता है, इसी समय में हम लोग जितना परसेंट देखना होता है 59% उतना ही भाग उनको देख सकते हैं चंद्रमा का, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पर्सन टू रीच द सर्फेस ऑफ द मून इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑस्टिन ऑल्सो वेंट विथ हिम। चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इनके साथ कौन गए थे, एडविन ऑस्टिन भी गए थे। मीन्स क्या, जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इनके साथ कौन गए थे, एडविन ऑस्टिन। मीन्स क्या, जिस स्थान पे वो लोग गए थे, कब गए थे, 21 जुलाई 1969 को, और जिस जगह पे वो पहुंचे थे उस जगह को क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रांक्वालिटी, यानी कि शांति का सागर। इतना याद रखिएगा, शांति का सागर किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑस्टिन पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, 21 जुलाई 1969 को, उसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रांक्वालिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द साइज ऑफ मून इज अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ, ठीक है। चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। एंड टाइटेनियम इज फाउंड इन अबंडेंस इन द रॉक ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा के चट्टानों में टाइटेनियम भी अत्यधिक मात्रा में पाया गया है। ये भी आ जाता है कि चंद्रमा पर क्या पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है, टाइटेनियम। अब नेक्स्ट देखेंगे कि द मून इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल प्लैनेट, यानी कि चंद्रमा को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा, जीवाश्म ग्रह इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल प्लैनेट। अब आता है कि द डिस्कवरी ऑफ चंद्रयान 1 लॉन्च्ड बाय इंडिया इन अक्टूबर 2008 हैज गिवन कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ मून, यानी कि भारत द्वारा अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 की खोज से चंद्रमा की सतह पर जल की मौजूदगी के ठोस प्रमाण प्राप्त हुए थे। कब, अक्टूबर 2008 और चंद्रयान 1 के तहत, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से माध्य दूरी, पृथ्वी से और चंद्रमा का जो माध्य दूरी है कुल कितना है, तो 384,365 मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये रहा आपका जो दिया हुआ किलोमीटर, इतना किलोमीटर दूरी पे है। अब आता है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जो मिनिमम देखा जाए तो न्यूनतम देखा जाए तो इतना है, आप लोग पॉइंट देख लीजिएगा कितना किलोमीटर पड़ता है। आप लोग इसको अपने कॉपीज में नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पॉइंट वाइज करके पूछा जा सकता है। अब आता है क्या, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के चक्कर लगाने की अवधि है कितना, 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड, तो कितना है, 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 0.47 सेकेंड। ये भी आप लोग को मायने रखता है कितना सेकेंड भी रहता है, कभी कभी तो 40 सेकेंड भी दे दे या फिर कभी कभी 13 सेकेंड दे, तो आप लोग याद रखिएगा 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स और कितना सेकेंड, तो 11.47 सेकेंड। अब आता है मून्स रोटेशन पीरियड ऑन इट्स एक्सिस, तो कितना है कि 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स, ये भी 11.47 एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो चंद्रमा के जो घूर्णन अवधि है, ये तो पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो घूमने का अवधि है, और वो जो खुद का जो घूर्णन अवधि होता है अपने अक्ष पर, पृथ्वी का तो घूमता ही घूमता है, लेकिन जो अपने अक्ष पर घूमता है वो दोनों का जो अवधि है सेम है, एक टू जेड सेम होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट कि द एटमॉस्फेयर ऑन द मून, चंद्रमा पर जो वायुमंडल है एब्सेंट, एक वहां पे वायुमंडल नहीं देखा गया है। अब आता है द डायमीटर ऑफ द मून, चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है, 3,476 किलोमीटर। तो ये रहा पृथ्वी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोग के एग्जाम में मैक्सिमम आने का चांसेस रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने पृथ्वी का शेप एंड साइज पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।